नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है एक और नए फ्रेश एपिसोड में। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हम अपने गांव पहुंचे। मैं अपने दादाजी और पिताजी के साथ जा रहा हूं गांव, और इस वीडियो में आप देखेंगे कि इंडिया के रोड कितने खूबसूरत हो गए हैं और बारिश के बाद चीज़ें कितनी ज़्यादा जीवंत लगती हैं। इस तरह के मौसम मेरे को हमेशा से पसंद रहे हैं, और अभी इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हमने अच्छे अच्छे खूबसूरत रास्तों से परिदृश्य देखते हुए अपना सफ़र पूरा किया और कैसे हम अपने गांव पहुंचे। और साथ ही साथ मैं आपको कंपैरिजन भी बताऊंगा कि कैसे पुराने रोड और नए रोड्स में कितना अंतर आ गया है, कैसे कैसे हमने चीज़ें कवर की। और चलिए मैं आपको आगे की वीडियो दिखाता हूँ। आज हम जा रहे हैं अपने गांव। बाकी आपने रोड देख लिया होगा कितने खूबसूरत है। अभी लैंडस्केप जो है ना बारिश के बाद वो भी बहुत सुंदर हो गया है, चारों तरफ एकदम ग्रीन ग्रीन है। जब हम हरी भरी चीज़ों के बीच में ऊपर निकलते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ कितना जीवंत हो चुका है, और बारिश ने सचमुच इस मौसम को एकदम से बदल दिया है। जब हम कभी बरसात से पहले जाते हैं तो सब कुछ इतना रूखा रूखा लगता है, पर अभी देखिए सब कुछ एकदम से ऐसे लग रहा है सब कुछ खिल उठा है। और अभी हमें अपने गांव पहुंचने में जिसकी डिस्टेंस है करीब करीब 77-80 किलोमीटर आप लोग, तो एक घंटे के अंदर हम पहुँच जाते हैं, 1 से 1.5 घंटे। और उस टाइम पर हम सुबह निकलते थे और बस वगैरह से पकड़ के शाम तक पहुँचते थे। तो इतना सारे चेंजेस हमने देखे हैं, मैंने देखे हैं मतलब बचपन से अभी तक। सिंगल लेन से अभी 6 लेन हो गया है, और मतलब इतना बढ़िया लैंडस्केप वगैरह, चारों तरफ बाईपास बना दिया, जितने सारे सिटी थे वो सारे कवर करके उनका बाईपास बना दिया। तो चीज़ें यार बहुत बढ़ती हैं, डेवलपमेंट अपने पीक पे चल रहा है। और अभी तो वैसे भी बारिश का टाइम है तो बढ़िया एकदम लैंडस्केप हो रखा है। आप देखो सामने एकदम चारों तरफ बाग ही बाग है, बढ़िया मौसम हो रहा है। और अभी ये वाला सीन देखना, अभी हम ना फ्लाई ओवर पे हैं, यहाँ से नीचे उतरने वाले हैं, और ये जो प्लेस है ना मेरा सबसे फेवरेट है इस रोड का। यहाँ पे दोनों तरफ बाग हैं, बढ़िया एकदम ग्रीनरी है, मतलब सबसे फेवरेट प्लेस, और आप समझ जाओगे क्यों है। एकदम बढ़िया लग रहा है ना, जैसे कहीं पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। बाईपास पर जाने वाले हैं, तो जो GT रोड है ना, जो पुराना GT रोड है वो सारा सिटी के अंदर होकर निकलता था, तो हमें बुलंदशहर, सिकंदराबाद, खुर्जा ये सारे सिटी पार करने होते थे। अभी क्या है, ओवरऑल ये सारे बाईपास बना दिए हैं, हर सिटी का अपना एक बाईपास है। इवन जहाँ से मैं आ रहा हूँ दादरी से, हमारे शहर का खुद का एक बाईपास है। तो अगर आप किसी को लंबे रूट पर जाना है ना, तो सिटी के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बाईपास पर निकल जाओगे। तो इससे क्या है, जो ट्रेवल टाइम है वो कट होके हाफ हो गया है। वो देखो फिर से, आप देखो एक बढ़िया लैंडस्केप आ रहा है, बढ़िया थ्री लेन इधर है, 3 लेन उधर है, टोटल 6 लेन हाईवे अभी कम्प्लीट किया है। और आपको याद होगा ये वही रोड है जिसका अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 24 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर रोड कम्प्लीट किया था एक दिन के अंदर कंस्ट्रक्शन। तो आप समझ सकते हो किस स्पीड से अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी आप सामने देख रहे हो एक बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, अभी हम पहुंचने वाले हैं बिल्डिंग के पास। ये है खुर्जा का कैलाश हॉस्पिटल, तो अभी ये अपने आप में एक लैंडमार्क बन गया है। तो ये जो नया बाईपास है इसी बाईपास पे ही बना था। अभी जो डिस्टेंस बची है वो 27 किलोमीटर है यहाँ से, जहाँ अभी हम चल रहे हैं खुर्जा पार्क के, तो यहाँ से 27 किलोमीटर अभी मेरा गांव है।
तो अभी देखो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे पहले बाईपास बना दिए हैं जो पुराना रोड था हर चट्टी को पार करने के लिए एक बाईपास बना हुआ है। अभी उस बाईपास का भी एक और बाईपास बनाया है क्योंकि इस रोड पर जहाँ पहले रोड था वहाँ पे अभी एनटीपीसी बन गई है 4-5 साल पहले, तो उस वो बीच में एनटीपीसी आ गई है, उस एनटीपीसी को पार करने के लिए फिर एक और बाईपास बनाया है। सीएनजी पंप हो गया है, यहाँ पे सीएनजी पंप भी है एक हमारे राइट साइड में, और अब आपको सामने दिख रही होगी चिमनी, और अभी हमने ले लिया है लेफ्ट साइड, लेफ्ट कट ले लिया बेसिकली, फिर हम चल रहे हैं। और ये आपको दिखा देता हूँ, ये उधर एनटीपीसी है, तो इधर ही मेरे बुआ के खेत वगैरह हैं, उनके खेत गए हैं एनटीपीसी के अंदर ही। और ये है नया रोड और यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं। तो अभी जो डिस्टेंस है जो मैं अभी कवर करनी है, तो आप देख रहे हो ये 22 किलोमीटर 27 मिनट दिखा रहे हैं, 27 मिनट अभी हम ड्राइव करेंगे तो हम बोलेंगे, तो वही अभी हमें करीब करीब 1.25 घंटे के आसपास हो जाएगा टोटल ड्राइव करते हुए। बारिश ने सचमुच परिदृश्य को बदल दिया है, अब सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं, इन खूबसूरत गांव से गुजरना बेहद आसान है। बरसात से पहले के जो रोड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रूखे सूखे दिखते हैं, पर अभी एकदम हरियाली के बीच से जाने का मज़ा ही कुछ और है। जहाँ भी देखो हर जगह हरे भरे दृश्य हैं, यहाँ की ताजगी अद्भुत है, ये गाँव सच में खिल उठे हैं, और इस मौसम में ट्रैवल करना अपने आप में अलग अनुभूति देता है। हम आखिरकार गांव पहुंच गए हैं, बस इस दृश्य को देखिए, वापस आना बहुत अच्छा लग रहा है, इस जगह की मेरी कई यादें हैं, और आप जहां भी देखोगे ये सब चीज़ें मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, तो हर एक चीज़ से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। गांव की ज़िंदगी में अपने आप ही एक अलग खासियत होती है, हर कोई एक दूसरे को जानता है और यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। मुझे ये पसंद है कि यहाँ की ज़िंदगी प्रकृति से कितनी जुड़ी हुई है। ये सफ़र थोड़ा और ज़्यादा रोमांचक हो गया जैसे ही हम अपने गांव में पहुंचे और हमारी गाड़ी कीचड़ में फंस गई, और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब गाड़ी कीचड़ से नहीं निकली तो फिर हमने ट्रैक्टर की मदद ली, अपने ही परिवार से एक अपने चाचा के लड़के को ट्रैक्टर लेके बुलाया और उसने हमारी गाड़ी खींच के वापस निकाली।
और कुल मिला के काफ़ी रोमांचक भरा हुआ हमारा सफ़र था। हमने अच्छे खासे हरे भरे रोड देखे और काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए हम अपने गांव पहुंचे। कैसे कैसे हमारी गाड़ी फंसी, उसको हमने निकाला, ये एक अपने आप में एक अलग ही तरीके का कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस था। और ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको और सारी वीडियो दिखाऊं। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे अपने गाँव की कहानियाँ शेयर करें। अगली बार तक ध्यान रखें।